हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और आज मैं आपको कराने वाला हूँ, इससे पहले मैं करा रहा था सेंटर ऑफ मास का थ्योरेटिकल डिस्कशन किए थे कि सेंटर ऑफ मास होता क्या है, उसके बारे में बहुत सारे थ्योरेटिकल पॉइंट डिस्कशन किए थे। ठीक है, अब आज के लेक्चर में हम सेंटर ऑफ मास एक्चुअली निकालना सीखेंगे, कैसे एक्स और वाई कोऑर्डिनेट ये सारे निकालते हैं पॉइंट मास वाले का। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। आई होप कि आप प्रीवियस लेक्चर देखे होंगे। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास, लोकेशन सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉइंट मास, पॉइंट मास जो पॉइंट मास वाले हैं पार्टिकल, उनका सेंटर ऑफ मास आज हम निकालेंगे। चलो, तो एक पॉइंट मास है, इसको मैं एम वन बोल देता हूँ, इसका कोऑर्डिनेट है एक्स वन, वाई वन और जेड वन मान लो। और ये जो है वो ए एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। और यहाँ पर एक दूसरा पार्टिकल है m2, इसका जो सेंटर ऑफ, इसका जो कोऑर्डिनेट है वो x2, y2 और z2। तो हम सबको पता है कि m1 का सेंटर ऑफ मास उसी पे आएगा और m2 का सेंटर ऑफ मास उसी पॉइंट पे आएगा, लेकिन इन दोनों का सेंटर ऑफ मास इधर कहीं बीच में आएगा। तो मैं मान लेता हूँ इधर ही कहीं है, दिस इज द सेंटर ऑफ मास, और इसका कोऑर्डिनेट एक्स सी एम, वाई सी एम और जेड सी एम है। ठीक है ना, ये क्या है, इन दोनों का सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट है। और ये जो है, ये दिस इज द पोजीशन वेक्टर, ठीक है, दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ एम वन आर वन, इसको डिनोट कर देता हूँ, दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ एम टू, इसको R2 से डिनोट कर देता हूँ। और ये अपना रेफरेंस पॉइंट है ओरिजिन 0,0, जहाँ से मैं पोजीशन वेक्टर, और ये वाली जो लाइन है वो इन दोनों के सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर है R, क्लियर है, ये बात आपको समझ में आ गया। चलो, तो ये अगर ये बात आपको समझ में आ गया तो अब देखो, अब मैं इसका सबसे पहले पोजीशन वेक्टर निकालूंगा, फिर एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट निकालूंगा। तो सबसे पहले मैं डिफाइन करता हूं मास मोमेंट। मास मोमेंट क्या था कि ये जो सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ मास है ए पॉइंट, इस पॉइंट पे इसका मास मोमेंट, ये रिफरेंस पॉइंट, अगर मैं इसको ज़ूम करता हूं तो मास मोमेंट इधर इसका जेड वन है, और अगर इसका मास मोमेंट इधर वेक्टर जेड टू है। तो मास मोमेंट का डिफिनेशन क्या था, मास मोमेंट का डिफिनेशन ये था कि z1 प्लस z2 मस्ट बी इक्वल टू जीरो, समेशन ऑफ z, ठीक है, एट द सेंटर ऑफ मास मस्ट बी इक्वल टू जीरो। समेशन ऑफ z मतलब मास और डिस्टेंस का जो प्रोडक्ट है वो जीरो के इक्वल होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो डिस्टेंस, वो ये वेक्टर कितना होगा, z1 कितना होगा, देखो यहाँ ट्राइंगल रूल लगा दो, देखो लगाओ भाई ट्रायंगल रूल, ये एक वेक्टर इधर है, एक वेक्टर यहाँ, तो यहाँ एक अच्छा सा ट्रायंगल बन गया है। देखो ये एक वेक्टर RCM ऐसे है, RCM ऐसे है, RCM ऐसे है, और Z1 वेक्टर ऐसे है, ठीक है, Z1 वेक्टर, और Z1 क्या है, मास मोमेंट है, और ये R1 वेक्टर इधर है, ठीक है ना। तो इस पे ट्रायंगल रूल लगा दूं तो जो R होगा वो Z1 प्लस RCM का सम होगा। इसका मतलब ये होगा कि जो Z1 वेक्टर हो जाएगा वो R वेक्टर R1 माइनस RCM का डिफरेंस होगा, ये दिस इज द Z1 वेक्टर, ठीक है, क्लियर है। इसका मतलब ये होगा कि Z1 जो है वो R1 माइनस RCM के इक्वल होगा, और जो Z2 है वो R2 माइनस RCM के इक्वल होगा। अब बाय द डिफिनेशन ऑफ द मास मोमेंट, डिफिनेशन ऑफ द मास मोमेंट, तो मास मोमेंट का डिफिनेशन क्या कहता है कि समेशन ऑफ द मास मोमेंट अबाउट द सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू जीरो, दिस इज द डिफिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो डिफिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास है जेड वन जेड, इसका मतलब ये हुआ कि आर वन माइनस आर सी एम और प्लस आर टू माइनस आर सी एम का समेशन मस्ट बी इक्वल टू जीरो, क्लियर है। और साथ साथ इसमें मास से मल्टीप्लाई भी तो करेंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें मास से मल्टीप्लाई करेंगे तो मास m1, और इधर में मल्टीप्लाई कर दो मास m2,
इधर मैं मल्टीप्लाई कर दूं, मास m2 दैट मस्ट बी इक्वल टू जीरो। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे तो मुझे पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास मिल जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि m1 r1 वेक्टर माइनस m1 r cm वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर माइनस m2 r cm वेक्टर मस्ट बी इक्वल टू जीरो। इसका मतलब ये हुआ कि पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास m1 r1 प्लस m2 r2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, और यही जो बात है वो बहुत सारे बुक में डायरेक्ट लिखी रहती है, ठीक है ना, जो भी बुक होती है उसमें डायरेक्ट ये लिखा रहता है, ठीक है। तो वो भी ठीक है, ये भी ठीक है, दोनों ठीक है, ठीक है, बातें सारी ठीक है। चलो, तो जो पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास है, मतलब ये समझना कि इसमें है क्या चीज़, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आर सी एम क्या है? पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। आर वन क्या है? पोजीशन वेक्टर ऑफ एम वन। आर टू क्या है? पोजीशन वेक्टर ऑफ एम। आर वन क्या है? पोजीशन वेक्टर। तो आर वन को मैं लिख सकता हूँ एक्स वन आई कैप, वाई वन जे कैप एंड जेड वन के कैप, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और आर टू पोजीशन वेक्टर सबको लिखने आता है, एक्स टू आई कैप, वाई टू जे कैप और जेड टू के कैप, ठीक है ना, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली परेशानी वाली बात नहीं है। उसी तरह से आर सी एम को लिख सकता हूँ, तो आर सी एम क्या है? एक्स सी एम आई कैप, वाई सी एम जे कैप एंड जेड सी एम के कैप, ठीक है। अब इन तीनों को ले जाके यहाँ पे रख दो, ये जो ये वाला फार्मूला है आर सी एम का जो हम लोग अभी डिराइव करके लेके आए हैं उसमें मैं रख दूँ, ठीक है। अगर मैं उसमें रखता हूँ तो मुझे क्या मिलता है? आर सी एम इधर मिल जाएगा, एक्स सी एम आई कैप प्लस वाई सी एम जे कैप प्लस जेड सी एम के कैप, ठीक है। ये मैंने इसको ले जाके रख दिया। और इक्वलिटी के इस साइड इधर जो है समेशन ऑफ मासेज है, तो समेशन ऑफ मासेज में कॉमन ले लेता हूँ, तो वन अपान एम वन प्लस वन अपान एम टू में कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है, और ब्रैकेट में एम वन और पोजीशन वेक्टर आर वन डालता हूँ, समझना, पोजीशन वेक्टर आर वन डालता हूँ तो मुझे मिलता है, आर वन एक्स वन आई कैप, वाई वन जे कैप प्लस जेड वन के कैप प्लस एम टू, एक्स टू आई कैप प्लस वाई टू जे कैप प्लस जेड टू के कैप। क्या किया हूँ भाई मैं ज़्यादा कुछ नहीं किया हूँ, इनको उठा के इसमें रख दिया हूँ। अगर मैं इनको उठा के रख दूँ और थोड़ा मैं ढंग से लिख लूँ, ठीक है, थोड़ा ढंग से अगर मैं लिख लूँ तो इधर देखो एम वन एक्स वन, ठीक है, एम वन एक्स वन प्लस एम टू एक्स टू और डिवाइडेड बाई एम वन प्लस एम टू आई कैप, ठीक है, प्लस वाई वन को एक साथ लिखो, एम वन वाई वन प्लस एम टू वाई टू एंड डिवाइडेड बाई एम वन प्लस एम टू, दिस इज द जे कैप प्लस जेड वन वाले को लिखो, जेड को लिखो, एम वन जेड वन प्लस एम टू जेड टू दैट इज द एम वन प्लस एम टू दैट इज द इट्स जे कैप के कैप, ठीक है। और इधर पहले से ही था, ठीक है, इधर पहले से ही ये वाला चीज आ रहा था, तो इसको यहाँ से कॉपी कर दो, इसको यहाँ से अगर मैं कॉपी कर दूँ, ये यहाँ मैं इसको कॉपी कर दूँ, अब दोनों साइड कंपेयर कर दो, राइट साइड और लेफ्ट साइड कंपैरिजन करने के बाद मुझे जो फार्मूला मिलेगा वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्स सी एम और आई का कंपेयर करोगे तो इन कंपेयरिंग बोथ साइड, कंपेयरिंग बोथ साइड, इन दोनों साइड में कंपेयर कर दूँ, तो चलो भाई दोनों साइड कंपेयर कर दो, तो दोनों साइड कंपेयर करोगे तो एक्स सी एम का फार्मूला मिलेगा, वो मिलेगा एम वन एक्स वन प्लस एम टू एक्स टू एंड डिवाइडेड बाई एम वन प्लस एम टू, ठीक है। और वाई सी एम जो है वो है एम वन वाई वन प्लस
m2y2 और डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। और जो जेड सी एम मिल जाएगा वो मिल जाएगा m1 z1 प्लस m2 z2 और डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ठीक है, और एक पोजीशन वेक्टर, ये पोजीशन वेक्टर वाला फार्मूला तो इधर था ही था, ठीक है, साथ साथ इधर जो पोजीशन वेक्टर वाला फार्मूला था, इधर पहले से ही मेरा पोजीशन वेक्टर वाला चला आ रहा था, तो आर सी एम जो है वो क्या था, एम वन आर वन प्लस एम टू आर टू डिवाइडेड बाई एम वन प्लस एम टू। ये चार फार्मूले हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है, ये अगर इनको ढंग से समझते हो, और भी अगर पार्टिकल है तो डॉट 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 इसमें ऐड करते चले जाएंगे, डॉट डॉट डॉट, ठीक है, डॉट 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 डॉट, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, और भी पार्टिकल हैं, तीन हैं तो और ऐड करते चले जाओ इस टाइप से। तो ये तीनों फार्मूले क्या हैं, एक बार फिर से मैं इनको रिवाइज कराता हूँ। ये क्या है, ये वाला फार्मूला क्या है कि आर सी एम पोजी सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर है, और एम वन एम आर वन एम वन का पोजीशन वेक्टर है, आर टू एम टू का पोजीशन वेक्टर है। एक्स सी एम क्या है, एक्स सी एम जो है एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास है, वाई सी एम क्या है, वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास है, जेड सी एम क्या है, जेड सी एम कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास है, ये वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास है, ये एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास है, ठीक है, और एम वन एक्स वन ये सब पार्टिकल है, और वाई वन वाई टू उसका कोऑर्डिनेट्स है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे एक्स कोऑर्डिनेट निकालना हो तो उस मास, वो मास पता होना चाहिए जिसका निकाला जा रहा है, साथ साथ उसका एक्स वाले सारे कोऑर्डिनेट पता हो। ये कब लगेगा, डिस्क्रीट पार्टिकल के लिए लगेगा, पॉइंट मास के लिए लगेगा, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कभी कभी क्या होता है कि अगर इसको तुम एक्सटेंडेड फॉर्म में, एक्सटेंडेड बॉडी के लिए लगाते हो, जैसे मान लो किसी एरिया के लिए अगर मैं इसको लगाऊं, या मास m इज इक्वल टू एरिया मल्टीप्लाइड बाई थिकनेस को t ले लेता हूं, तो वॉल्यूम हो गया डेंसिटी रो। तो ये जब सारा m1 r1 इसमें रखोगे तो ये फार्मूला थीन एरिया के लिए बन जाएगा, ठीक है। तो थीन एरिया के लिए ये फार्मूला कैसे बनेगा, तो उसके लिए जो है एक्स सी एम एरिया के लिए क्या आ जाएगा, बोलो, एरिया ए वन, एरिया ए वन और ए एक्स वन प्लस एरिया ए टू और ये एक्स टू डिवाइडेड बाई एरिया ए वन प्लस ए टू, ठीक है। एरिया थीन बॉडी है जिसका एरिया, एरिया डायरेक्ट एरिया के टर्म में ये वाला उठा के रखोगे तो यहाँ से एरिया के टर्म में दिखने लगेगा। वाई सी एम एरिया के टर्म में डायरेक्ट निकाल सकते हो, ठीक है, ए वन वाई वन प्लस ए टू वाई टू डिवाइडेड बाई एरिया ए वन प्लस ए टू। जेड सी एम डायरेक्ट एरिया के टर्म में निकाल सकते हो, ठीक है, एरिया ए वन जेड वन प्लस ए टू जेड टू और डिवाइडेड बाई एरिया ए वन प्लस ए टू। तो ये सब एरिया के टर्म में भी लिख सकते हो, ये सारे फार्मूले काम आएंगे, ठीक है। तो ये कभी कभी कुछ मासेज निकाल दिए जाते हैं, मासेज इज इफ मास इज रिमूव्ड आर एड, कुछ मास रिमूव कर दिया जाए या एड कर दिया जाए तो उनके लिए फार्मूला, जैसे मान लो एक स्क्वायर है, ठीक है, थीन स्क्वायर है जिसकी एरिया, जिसके पास पहले मास m1 था और एरिया a1 था, ये दोनों के टर्म में लिख सकते हो जहाँ तुम्हें जैसे। अब मैंने इससे कुछ पार्ट जो है वो निकाल दिया, मैंने m2 मास निकाल दिया जिसकी एरिया a2 थी, जो निकल गया उसका एरिया a2 थी। अगर मान लो मैंने कुछ इसमें पार्ट ऐड कर दिया, बाहर से ऐड कर दिया, जो मास ऐड कर दिया उसका मास m3 था और एरिया a3 था, तो ये फार्मूला मास और एरिया के टर्म में देखो लगाओगे तो एक ही यार भाई, x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट एक ही, बट जो भी तुम लगाना चाहते हो वो अब बदल जाएगा। जैसे अगर मैं अब इसका x सी एम लिखूँ, तो अब मैं इसका x सी एम लिखूंगा तो मास के टर्म में लिखूंगा तो क्या होगा, बोलो, मास m1 x1 एक्चुअल मास था, अब जो रिमूव हुआ उसको माइनस कर देंगे, ठीक है, तो जो रिमूव हुआ माइनस m2 m2 और मान लो ये x2, ठीक है, और ये जो ऐड हुआ उसको मैं ऐड कर देंगे प्लस m3 x3 और डिवाइडेड बाई m3 x3 डिवाइडेड बाई m1 माइनस m2 और प्लस m3, इस तरह से अब x कोऑर्डिनेट निकालोगे और सिमिलरली y कोऑर्डिनेट निकालोगे। अगर इसी को एरिया के टर्म में लिखोगे
ठीक है, अगर इसी को एरिया के टर्म में लिखोगे तो एक्स सी एम इन द एरिया के टर्म में, तो एरिया ए वन एक्स वन माइनस ए टू एक्स टू और प्लस ए थ्री एक्स थ्री, ठीक है, घबराना नहीं, ए वन माइनस ए टू प्लस ए थ्री, ठीक है। तो ये तो इस तरह से सारे फार्मूले बदल जाएंगे यार। तो मैंने क्या क्या सिखाया कि जो सेंटर ऑफ मास है उसका एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट पोजीशन वेक्टर कैसे निकालोगे, अगर मासेस ऐड हो गए रिमूव हो गए तो कैसे काम करोगे, कभी कभी एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाला भी फार्मूला आएगा, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाला अगर आएगा तो उसको भी ऐसे सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज इक्वल टू वेट डब्लू, ठीक है, एक्स वन प्लस वेट डब्लू एक्स टू डिवाइडेड बाई वेट डब्लू वन प्लस डब्लू टू। इसका मतलब ये हुआ कि एम वन जी वन एक्स वन प्लस एम टू जी टू एक्स टू डिवाइडेड बाई एम वन जी वन प्लस एम टू जी टू एंड सो वन, ठीक है। इस तरह से सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालोगे, ठीक है, और यूनिफॉर्म फील्ड के लिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर ऑफ मास के बराबर होता है, जहाँ जी वन जी टू बराबर हो जाएंगे।